हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक हमारे फैमिली फ्रेंड के यहाँ पे एक पूजा मतलब इवेंट में गई थी। वहाँ पे उन्होंने फूल न मिलने की वजह से ऐसे रिग्रेट किया कि आज फूल मिले ही नहीं। उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था पर उनका फूल वाला कुछ प्रॉब्लम में फंस गया तो वो फूल डिलीवर नहीं कर सका उस दिन। और उन्होंने ऐसे दुख के साथ ऐसे कह रहे थे कि आज तो फूल मिलते तो कितना अच्छा होता, हमेशा पूजा में फूल होते हैं वैसे ऐसे वैसे। पर दोस्तों, ये एक छोटी सी बात है कि चलो फूल वाला अगर फूल डिलीवर नहीं भी कर पाता है तो भी आप खुद मैनेज किसी भी तरह कर ही सकते हो। आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में या कहीं भी बहुत सारी गार्डन्स में, पब्लिक गार्डन्स में बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं जहाँ पर बहुत सारे फूल होते हैं ना, तो वो फूल आप लेके उनसे अच्छी सी भगवान जी के लिए फूलों की माला बना सकते हैं, हार बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। तो चलिए, अगर आपके पास मार्केट में जो मैरी गोल्ड मतलब झेंडू जिसको बोलते हैं या गेंदा जिसको बोलते हैं वैसे सारे फूल आपको नहीं भी मिले तो भी आप कॉमन गार्डन्स में जो मिलते हैं वो फूल यूज़ करके आप बहुत अच्छी फूलों की माला बना सकते हैं या तोरण बना सकते हैं। तो आज मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि ये फूलों की माला और तोरण कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से कॉमन से फूल आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये है ये वो फूल, ये फूल हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ये या ऐसे अलग अलग रंग के अलग अलग टाइप के जो बंचेस में मिलते हैं आपको, जो रेडिली अवेलेबल कभी भी रहते हैं पेड़ पर, है ना। तो ऐसे फूल लेके आप कभी भी अरेंज कर सकते हो घर पे ही फूलों की माला भगवान जी के लिए। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे तो वेकेशन में हर रोज़ भगवान जी के लिए फूल, हमारे खुद के गार्डन में इतने सारे फूल होते थे कि मैं खुद के गार्डन में से हम लोग भगवान जी के लिए रोज़ ही फूलों की माला बनाया करते थे। और खुद के लिए मैं भी अपने लिए गजरा, मैंने मुझे याद है मैंने 200-200 फूलों का, मोगरे के फूलों का गजरा पहना हुआ है। उस समय तो छोटे थे, चलो चलता था, अच्छा लगता था, खैर वो बात अलग है। पर चलो अभी इन फूलों से मैं आपको माला बनाना सिखाती हूँ। आपको अगर मिलते हैं तो गेंदे के, जासूद या हिबिस्कस के फूल, कोई भी फूल आप मोगरा, जासमीन, जूही, चमेली कोई भी ले सकते हो। तो हम लोग इन फूलों से आज सीखेंगे। सबसे पहले मैंने ये सुई और धागा ले लिया है, आप कोई भी धागा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है वो धागा जो मोस्टली मार्केट में कुछ भी आपको अगर बांध के देना है तो शॉप वाले ही आपको बांध के देते हैं ना। इससे ये वाइट कलर का धागा मोस्टली फूलों की माला में वगैरह यूज़ भी होता है। आपके पास अगर ये नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे एक थिन भी मिलता है, ये ज़रा थिन है उससे, है ना, पहले जो दिखा है उससे ये वाला थोड़ा थिन है। देखिए इसमें फ़र्क है थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थिक दिख रहा है और ये थोड़ा थिन है। तो कोई बात नहीं, ये भी धागा आपके पास अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जो घर में सुई धागा यूज़ करते हैं सिलाई करने के लिए, छोटी मोटी सिलाई जो करते हैं, मैंने वो वाला धागा ले लिया है और उसमें सुई मैंने डाल दी है, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास ऐसे कितने बंचेस है या कैसे कैसे साइज़ के, जैसे ये थोड़ा बड़ा है, कभी कभी अगर तोड़ते वक्त अच्छे से तोड़ा नहीं गया तो ये छोटा भी टूट सकता है, तो उसमें कुछ ही फूल मिलेंगे, थोड़े से ही फूल मिलेंगे, तो वो दिखने में बंच छोटा दिखेगा, है ना। और सिंगल सिंगल फूल का करने से अच्छा है कि कुछ बड़ा बड़ा ही फटाफट कर दे तो जल्दी जल्दी तैयार भी हो जाता है। तो पहले इस तरह से कितने हमारे पास बंचेस है वो देखना है, फिर ये कितने साइज़ के बंचेस दिख रहे हैं वो देखना है। कभी कभी ये छोटा बंच होता है तो छोटे के साथ उसको हम लोग उसका पैर बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे। तो पहले इस तरह मैं अरेंज करके दिखाऊंगी आपको। Thank you.
तो दोस्तों देखिए, ये मैंने इस तरह से रख दी है जोड़ी जोड़ी में, पैर पैर में, ताकि सिमेट्रिकल, कोई भी माला हमेशा सिमेट्रिकल हो तो अच्छी लगेगी ना। आजकल ज्वेलरी में वो ट्रेंड है कि कुछ अलग जगह पे पेंडेंट रखा जाता है, जैसे सेंटर में ना रखे, साइड में कोई पेंडेंट बनाया जाता है, पर अभी भगवान की ज्वेलरी में आजकल वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये फूलों का, जो फूलों की माला है उसमें तो हमें सेंटर में ही पेंडेंट की तरह रखना है, जो फूल रखना है, इसलिए दोनों साइड में सिमेट्रिकल, मतलब जितने लेफ्ट में होंगे फूल उतने ही राइट में रखो तो अच्छा है। अभी ये तो मैं सिंगल कलर बना के दिखा रही हूँ आपको, आपके पास अगर और भी कलरफुल फूल है तो आप अगेन, जैसे 1, 2 के बाद एक कलर दूसरा रख दिया, अगेन 1, 2 के बाद तीसरा कलर, मतलब जो भी कलर है वो रख दिया, या 3, 3 के बाद ऐसे मतलब आपको डिवाइड करना है उसको सिमेट्री में, ठीक है, इक्वल इक्वल में आपको डिवाइड करना है ताकि वो दिखने में अच्छा दिखे। अभी मैं आपको सिंगल कलर में दिखाती हूँ कैसे दिखती है भगवान के फूल की माला, और ये एकदम बंच बंच में है, ये सारे फूल एक बंच में है, है ना, मैं वैसे आपको दिखाऊंगी। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको सुई में पहले धागा पिरो लेना है, सुई में धागा जब पिरो लिया तब एक साइड से चालू कर देना है आपको, कि ये मैंने उठाया अभी मैं उसको डालूंगी। आपको देखना है कि ये जो डंडी है उसका जो थिक जाड़ा पार्ट होता है ना, उसमें उसको आपको ठीक से डालना है अच्छे से, ताकि वो सुई में से बाहर नहीं आ जाए। कभी कभी ऐसे होता है कि देखिए ये जो बंच है ना, उसमें ये जो फूल वाले क्या करते हैं, माली जो होते हैं वो लोग इस तरह से धागा लेके ऐसे गांठ बना देंगे और ऐसे वो खींच लेंगे, है ना, तो वो फूल में गांठ अटैच होके माला बनना शुरू हो जाती है, एक एक बंच डालेंगे तो। पर हमें अगर घर पे ये ऐसा कुछ करना नहीं है या आता नहीं अगर आपको, तो आप सुई में धागा डाल के भी उसको कर सकते हो सिलाई की तरह, है ना। तो ऐसे हम लोग करते जाएंगे, देखिए दोस्तों मैंने इस डंडी, ये बहुत ही पतली डंडी है पर फिर भी मैंने मैनेज कर लिया है, मैंने उसमें से डाल दी है, और अब धीरे से आपको खींचना है वरना वो डंडी का वो टूट जाएगा, है ना। तो आपको ये इस तरह से खींचना है और रखना है इधर, और उसको हिलाना नहीं है बार बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिया, ये सेम प्रोसीजर उसमें मैं डालूंगी, धीरे से डालना है, डंडी को डैमेज नहीं करना है। इसके लिए आपको मोटी डंडी वाला अगर मिल जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा वो भी रहेगा। धीरे से हिलाना है, रख दिया साइड में, ऐसे ही तीसरा, तो दोस्तों देखिए मैंने एक साइड के इस धागे में पिरो लिया है ये सारे बंचेस, और मैंने मैनेज कर लिया है कि कुछ और कलर मिल ला सकूं, तो मैंने ये हिबिस्कस जासूस का लिया है फूल, मैं उसको सेंटर में ही रखूंगी, मतलब सेंटर के आसपास ही रखूंगी ताकि एक डिफरेंट लुक आए। इसमें भी आप वो डंडी के वहीं पे आपको डालना है, देखिए इस तरह ही आपको डालना है, और ये आ गया इधर। फिर मैं सेंटर वाला जो बंच है वो उसमें डालूंगी, बहुत धीरे धीरे से आपको काम करना है ताकि बाकी के बंचेस डिस्टर्ब ना हो, वरना ये धागा किसी में अटक जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी काम पूरा करने में, है ना। अब मैंने यहाँ पे एक डाला है, इसे इस साइड में भी सिमेट्री चाहिए, इसलिए इस तरह से रखूंगी दूसरा फूल भी, है ना। तो ये भी डाल देती हूँ, इसी तरह से सेम वे हमें आगे बढ़ना है, देखिए तो अभी इस साइड की सारे मैं इसमें डाल दूंगी एक एक करके। देखिए आसानी से हो रहा है, इस तरह कर देना है पूरा। देखिए दोस्तों ये माला मैंने तैयार कर दी है, पूरी हो गई है। अब इसको बस एडजस्ट कर लेना है, अगर कहीं पे कम ज्यादा आपको जगह लग रही है तो उसको थोड़ा सा धीरे से आपको हिला लेना है,
थोड़ा धागा खींचना है या ऐसा कुछ करना है, तो ये सिमेट्रिकल और सुंदरता उसकी बढ़ेगी, ऐसा रखना है आपको। जैसे अगर आपने यहाँ पे धागा कम छोड़ा है तो आपको बांधने के लिए भी तो चाहिए, तो आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा ये नीचे सारे फूल सरका के। सिमिलरली इस बाजू में भी आपको करना होगा, अगर ये इस तरह का कर लिया एडजस्टमेंट तो इसमें भी करना होगा ना, दोनों सिमेट्रिकल दिखने चाहिए। इसलिए तो जितने डिस्टेंस पे ये वाले फूल रखे हैं उतने ही डिस्टेंस पे इधर के साइड में भी आपको फूल रखने हैं सारे। यहाँ का तो ठीक ही लग रहा है, बस इस तरह से थोड़ा बस हो गया। तो देखिए दोस्तों ये एक माला बनके तैयार है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप बना सकते हो। अभी मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ कि कैसा और एक तरीका हो सकता है ये माला बनाने का। दोस्तों अभी मैं सिंगल सिंगल फूल से भी आपको किस तरह बनाना है ये देखो, ये तो सिंगल फूल है तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं और एक अलग तरीके से बनाएंगे। अभी तो हमने जो डाला वो यही से डाला था है ना, डंडी में से। तो अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे डालना है, कि यहाँ से अगर डालना है आप यहाँ से भी डाल सकते हो और यहाँ से भी डाल सकते हो शुरू करते वक्त, ठीक है, कोई बात नहीं है, कहीं कैसे भी शुरू कर सकते हैं। तो फिर से मैंने ये सुई में धागा पिरो लिया है, अब मैं कोई भी फूल, गेंदे के फूल में भी इस तरह डाल सकते हैं, मोगरे के फूल में भी इस तरह, कोई भी फूल हो आप इस तरह इसमें डाल सकते हो अंदर से। तो ये आगे सुई बाहर, इधर से डाली मैंने, इधर से बाहर आ गई और निकाल दिया ऐसे। तो ये रख दिया मैंने ऐसे, फिर इसी तरह सारे हमको डाल देने हैं। अगेन इसमें भी सिमेट्री इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सिमेट्री। आपको अगर सिमेट्री नहीं रखनी है, जैसे कि आपके पास दो दो कलर के फूल नहीं है या जो भी, तो आप विदाउट सिमेट्री भी बना सकते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करते जाने की माला तो भी चलता है। ऐसे कुछ नहीं कि सिमेट्री ही रखनी है, बट सिमेट्री हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने वाले को, है ना। और फिर ये तो हमें भगवान जी के लिए बनानी है, तो उनको तो प्रसन्न करना ही होता है हमें, तो ऐसे तो अच्छा लगे वैसा ही करना चाहिए ना। तो ये हो गया और एक फूल इस तरह से, देखिए ये आगे तीन फूल इस तरह से डालेंगे तो हमारी जगह भी कवर होती जाती है इस तरह से। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। इसमें आपको सिंगल सिंगल ही एक एक साथ में डालना होता है, वरना वो अलग दिखेगा, है ना। आप एक सीधा और एक उल्टा भी इस तरह भी डाल सकते हो, पर फिर जगह बीच में बहुत ज्यादा दिखेगी, है ना। हमें आइडिया अपने हिसाब से लड़ाना है, किसी भी तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं। अब मैंने इसमें पांच फूल डाल दिए हैं, अब मैं सेंटर वाले का कुछ करती हूँ। मेरे पास दूसरा कलर अवेलेबल नहीं है राइट नाउ, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये पत्ते हैं, हमने देखा होगा माली लोगों के यहाँ या फूल वालों के यहाँ, तो ये सब कुछ ऐसे पत्ते भी वो लोग डालते हैं ना, तो ये सेकंड कलर तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ। बस पत्ते को इस तरह फोल्ड कर लेना है आपको, इस तरह से बन जाएगा, जैसे हम लोग खाने वाला पान नहीं फोल्ड करते वैसा कुछ फोल्ड कर लीजिएगा। और फिर एक या दो पान ले लीजिएगा, लीफ पत्ते ले लीजिएगा, और इस तरह से फोल्ड करके ये दो मैंने ले लिए, एक के ऊपर एक रख दिया और फिर मैंने इसमें से उसको डाला। देखिए सीधे सेंटर में से उसमें मैंने डाल दिया है। अब मैं, क्योंकि मेरे पास सेंटर में डालने के लिए दूसरा कुछ नहीं है, तो मैं इसका ही यूज़ करने वाली हूँ। भले ये बाहर आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे चलता है, अच्छा दिखता है, कोई बुरा नहीं दिखेगा। अब मेरे पास ये जो बंच था, मैं फिर से इसी का यूज़ करके उसको बंच नीचे सेंटर में डाल रही हूँ पेंडेंट की तरह। ये पत्ते जो है आप बीच में भी कभी इधर भी डाल सकते हो, जैसे दो फूल के बाद ऐसे पत्ते डाल दिए फिर तीसरा इधर से स्टार्ट किया, ऐसा भी कुछ आप कर सकते हो। फिर ये मैंने बंच डाला, फिर और सिमेट्री करनी है तो इधर और पत्ते लगाऊंगी। फिर
फिर मैंने ऐसे डाल दिया और फिर अभी ये वाली साइड हमको इधर से लेनी है करके। अब क्या करना है, हमने यहां से डाले थे ना सब धागे, अब हमें उल्टी साइड से डालने हैं क्योंकि हमको दिखना तो ऐसे चाहिए ना, अभी डालना है तो उल्टी साइड से डालना पड़ेगा। तो पीछे की साइड से अभी डालना है हमको, है ना, यहां से डालना है। अब तक हम आगे से डाल रहे थे सुई को, अभी हमको नीचे से डालना है सुई को, देखिए ताकि वो दिखने में सीधा दिखे, है ना, अभी ये दिखने में सीधा दिख रहा है। तो इस तरह आपको कर लेना है सभी को। दोस्तों देखिए ये तैयार हो गया है, फिर से आपको देखना है कि कहीं ये आगे पीछे तो नहीं लग रहा है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा अगर नीचे वगैरह सरकाना है तो इस तरह से, ताकि दोनों साइड्स इक्वल दिखे दिखने में, है ना। फिर ये देखिए इस तरह से भगवान जी को आप चढ़ाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगता है। दोस्तों ये देखिए, ये मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, उससे भी हम लोग माला बना सकते हैं। ये हालांकि ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए सभी के यहाँ पे मोस्टली आजकल ट्रेंड है ना कि हम लोग आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट्स रखते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वाले फ्लावर पॉट्स रखते हैं। तो अगर बहुत मतलब एक आध साल बाद उसका जो कलर फीका पड़ जाता है फूलों का, या फूल गिरने लगते हैं, अगर उसको धोना हम चाहते हैं, जैसे दिवाली पे सारी साफ सफाई वगैरह करते, या कभी भी जब चाहिए मेहमान आने वाले हैं तो साफ सफाई जब करते, तो अगर वो उसको धोते हैं फ्लावर्स को, तो हो सकता है उनकी चमक थोड़ी चली जाती है, या कभी कभी वो निकल जाते हैं। तो उन फ्लावर्स को ऐसे तो दिखने में अच्छे होते हैं, तो वेस्ट क्यों करें या फेंके क्यों, इससे अच्छा है कि उससे भी हम लोग कुछ बना सकते हैं। तो इन फ्लावर्स से भी मैं आपको माला दिखाती हूँ कि कैसे बनानी है। और ये माला तो आप ऐसे मतलब कभी कभी हम लोग घर में बड़ी मूर्ति भी रखते हैं ना, बस शो की तरह रखने के लिए या प्रतीकात्मक रखने के लिए हम लोग बड़ी मूर्ति भी रखते हैं, जैसे एक आध फुट से ऊपर या ऐसे, तो वैसी मूर्ति के लिए भी हम लोग ये माला पहना के रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। इसमें मेरे पास दो कलर्स अवेलेबल है, तरीका तो वही रहेगा, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये मैंने डाल दिया और इस तरह से ये निकल के आ गया, ठीक है। फिर से वही करूँगी, इसमें भी आप चाहो तो पत्तों का यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स के पत्ते भी कभी कभी निकल जाते हैं ना, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी दिखाया वैसे। अब ये फूल भी है तो मैं क्या करूँगी, इसमें बीच में लगाऊंगी ये फूल ऐसे, ठीक है। तो इसको भी अंदर से मैं धागा डाल के सुई डाल के निकाल रही हूँ, सेम वे। तरह से हो रहा है, ठीक है। देखिए ये इस तरह से एक साइड बन गई है। अब सेंटर के लिए आप चाहो तो पत्ते यूज कर सकते हैं, मेरे पास है इसलिए मैं आपको फिर से वही दिखाऊंगी। पर इसमें मैं आपको क्या करूंगी कि मैं फोल्ड नहीं कर रही हूँ, मैं सीधे पत्ते ही ऐसे रखना चाहती हूँ। तो मैं बस ऐसे नीचे से निकाल के उसको ऊपर की तरफ ले रही हूँ धागे को, सीधा या उल्टा आप कैसे भी लगा सकते हो उसको। तो मैंने इस तरह उसमें डाल दिया है और फिर ये फूल मैं डालूंगी। अब मैं इसको इस तरह डालूंगी, ये मैं यहां से डाल रही हूं क्योंकि पेंडेंट वाला है, तो इस तरह डालूंगी। ये मैं सेंटर में डालना चाहती हूं, ये सीधा डालूंगी, देखिए
ये फूल प्लास्टिक के होते हैं आर्टिफिशियल, तो उसमें से धागा निकालना थोड़ा मुश्किल भी होता है कभी कभी। देखिए ये ऐसा, आराम से निकाल लीजिएगा वरना हाथ में लग जाएगी सुई। अब फिर से मैं इसको पत्ते को लगाऊंगी। अब मैं पत्ता उल्टी साइड से डाल रही हूँ ताकि वो सीधा दिखे। आप किस तरह अरेंज करते हो, सिमेट्री किस तरह रखना चाहते हो, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अपने हाथ से बनाई हुई पुष्पों की माला भगवान को तो बहुत ही अच्छी लगती है ना। अब हमें डालनी है यहाँ से पीछे से, सबसे यहाँ से जब डाला था तो हमने सीधे साइड से डाला था, हमें उल्टी साइड से डालना है डंडी की साइड से। ये रहा, फिर इसमें भी पीछे से डालूंगी। धीरे से डालिएगा, फूल बहुत नाजुक होते हैं, रियल हो या आर्टिफिशियल हो, और आपकी हाथ को भी नहीं लगना चाहिए। देखिए दोस्तों ये हो गया है। अभी इसमें इसमें भी देखिए ये दो वाइट के बीच में एक एक रेड मैंने डाला है इस तरह से, तो आप इस तरह भी उसकी डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से। तो ये और एक तीसरी टाइप की माला मैंने आपको दिखाई, अलग अलग फूल यूज़ करके, अलग अलग कलर के फूल यूज़ करके या पत्ते यूज़ करके आप इस तरह से भगवान के लिए फूलों की माला बना सकते हैं। अब हम देखेंगे तोरण। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास ये पत्तियाँ हैं। अगेन ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, घर में जो फ्लावर पॉट्स होते हैं जो फेंकने जैसे हो जाते हैं फूल, उसमें से भी ये पत्तियाँ निकल सकती है, या घर में आपके कभी जो ट्रैवल बैग्स वगैरह होती है या पर्सेस होती है उसमें से अगर कोई ग्रीन कलर का कपड़ा या इस तरह का कपड़ा निकलता है तो उसमें से भी इस तरह के पत्ते आप बना सकते हो। तो ये इस तरह के पत्ते हैं, आप रियल में बनाओगे तोरण, रियल पान पत्तों का बनाओगे तो उसमें आसोपालव या आम के पेड़ों का तोरण बनता है ना, उसके पत्ते होते हैं। पर अभी ये तो आर्टिफिशियल का है, इसलिए ये जो पत्ते हैं मैं इसमें से बनाऊंगी। रियल का भी इसी तरह से आपको बनाना होता है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप वो कंकण वाला धागा यूज़ करें उसमें तो अच्छा रहता है, या फिर तोरण के लिए वूल का धागा अच्छा रहता है, और वूल मतलब ऊन का धागा जिसको बोलते हैं, तो वो यूज़ करना चाहिए। तो ये सुई भी मैंने बड़ी वाली ली है, मोस्टली जो माली लोगों के यहाँ दाभन जिसको बोलते हैं ना, जैसे बड़ी सी सुई होती है वो मैंने ली है, फटाफट हो जाए इसके लिए। इसमें भी आपको वही करना है, सिमेट्री रखो तो ज़्यादा अच्छा है, पर सिमेट्री नहीं भी है तो भी तोरण तो वैसे ही अच्छा लगेगा। तो आप किसी भी तरह से इस तरह से फूलों को ऐसे रखते और उसमें पिरोते जाए तो भी अच्छा ही दिखेगा ये तोरण, ठीक है, पर सिमेट्री रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले आप इसको गिन लीजिएगा कितने पत्ते हैं और वो कहाँ कहाँ कैसे अरेंज करने वाले हो, और फूल अगर आपके पास जो भी फूल है आप किस तरह से दो दो या तीन तीन पत्तों के बाद एक एक फूल डालोगे आप वैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। अगेन करना तो ऐसे ही है कि इसमें से डाल देना है आपको धीरे से, ताकि ये जो बनाया पत्ता है फटे नहीं। इस तरह से मैंने डाल दिया है धागा, बस आपको एंड तरफ एंड तक उसको लेके जाना है धीरे से, पत्ता फटना नहीं चाहिए आपको ध्यान रखना है धागा खींचते वक्त, क्योंकि ये नाजुक मटेरियल होता है बहुत। और फिर आप इतने सारे यूज़ करने के बाद उसको बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना रहे तो उसका वैसे भी लाइफ हो चुका होता है ना, इसलिए तो उसमें मैं सीधी साइड से ही डालती हूँ ये सब।
तो मैंने ऐसे तीन तीन, आप चाहो तो गांठ लगा के भी कर सकते हैं, अगर आपकी बस बड़ी डंडी है तो जैसे माली लोग गांठ लगाते हैं ऐसे गांठ लगा के फिर उसमें से इसको इस तरह से रख के फिर खींच सकते हो उसको और ये पक्का हो जाएगा। पर ये वॉशेबल अगर आपको बनाना है तो इस तरह बनाओ, तो ये आप धो भी सकते हैं हल्के हाथों से। मेरे पास बहुत सारे पत्ते हैं तो मैं पास पास ही डालूंगी, बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं डालूंगी। मैं तीन तीन पत्ते ले रही हूँ और फिर मैं एक एक फ्लावर लगाते जाऊंगी। आपको आपका दरवाजा जिस साइज का है उस साइज से उस साइज का धागा लेना है आपको, ठीक है। दोस्तों मैं उसमें फूल ऐड कर रही हूँ, वही तरीका है, मैंने सीधी साइड से उसमें सुई डाली है, ठीक है। आप यहाँ से भी डाल सकते हो उसको, डंडी से भी डाल सकते हो। अब फिर से मैं ये तीन पत्ते उसमें डालूंगी एक फ्लावर के बाद, तरीका सेम है, बस उसको आपको पिरोना है धागे में और कुछ नहीं करना। ये बहुत ही सिंपल है और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है। तो कुछ दिन और आपके पास ये पत्ते और फूल आप रख सकते हो, भले फ्लावर पॉट में नहीं तो इस तरह से किसी भी दरवाजे पे मेन गेट पे आप रख सकते हो, क्योंकि बिल्कुल भी खराब वैसे भी नहीं हुए, बट बिल्कुल खराब नहीं हुए, उसका कलर विलर वैसा का वैसा ही है, इंटैक्ट है, बस वो निकल जाते हैं वहां से अगर अगर आप उसको अच्छे से धोना शुरू करो तो, और धोएंगे नहीं तो धूल जमी दिखती है ना, इसलिए धोना तो पड़ता है। तो इस तरह से ये फिर से तीन पत्ते, उसके बाद मैं एक फूल डाल रही हूँ। आपके पास कौन से कलर के अवेलेबल है फूल, इस हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे कैसा क्या लगाना है आपको, कौन सा फूल रखना है। मैंने पहले की तरह ही उसको इस तरह डाला हुआ है, ये लीजिए ये हो गया। नेक्स्ट अभी फिर से तीन पत्ते डालूंगी, और पत्ते भी आपको नीचे से लटकेंगे वैसा दिखाना चाहिए, जो डंडी वाला पार्ट है वो ऊपर उसी वहीं से आपको सिलाई करनी है ताकि वो ऊपर लटके। ये हो गया सेकंड पत्ता और ये हो गया थर्ड। इसमें आप चाहो तो ना छोटी सुई यूज कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि बड़ी सुई लेनी है, और फटाफट हो जाए इसके लिए। अब मैं उस पर एक रेड फूल ऐड करूंगी, मेरे पास है इसलिए, फिर से वही तरीका है, मैं आगे से उसको डाल रही हूँ। रियल फूल में भी आपको इसी तरह से उसको बनाना है तोरण। कभी कभी ये फूल अगर अंदर घुस नहीं रहा है सुई बड़ी होने की वजह से, तो पता है आपको इस तरह प्रेस कर लेना है। ये प्रेस करने के बाद इस तरह अंदर गया है क्योंकि उसका ये डंडी वाला होल छोटा था इसलिए, और मैंने सुई बड़ी ले ली है इसलिए। अब फिर से तीन पत्तियां ले लूंगी, अब जहां से ये धागा पत्तियों में डाल रहे हो वो हाफ इंच टू वन इंच होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। बहुत ज़्यादा नीचे मत डाल देना, वो खराब लगेगा, है ना, या बहुत ज़्यादा ऊपर डालोगे तो भी टूट जाने का डर रहेगा। तो इसको कम से कम आधा इंच से एक इंच भी बहुत ज़्यादा हो गया, आधा इंच ही आपको ये डिस्टेंस रखना है, बहुत ज़्यादा मत रखना ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और ये तो चलो आर्टिफिशियल पत्ते हैं, रियल पत्तों में थोड़ा मुश्किल भी कभी कभी हो सकता है, पत्ते फट सकते हैं, इसलिए उसमें भी बहुत ध्यान दे के आपको करना होता है। अब मैं फिर से ये
आपको सिमेट्री करनी है तो आप पहले ही, जैसे मैंने ये एक और एक दो व्हाइट फूल डाले हैं, तो और एंड करते वक्त मुझे दो व्हाइट फूल की ज़रूरत पड़ेगी और एक लाल फूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये साइड में ही निकाल के रखने हैं जो सिमेट्री के होते हैं, जैसे हमने माला में किया था वैसे ही साइड में रख देना है आपको, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। वैसे दिखने में ख़राब नहीं दिखता है कुछ भी, कोई भी फूल कैसे भी अरेंज करो तो ये तोरण की तरह ही दिखेगा, बुरा नहीं दिखेगा, पर फिर भी सिमेट्री हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। फिर इसमें अभी मैं एक डालूंगी तो और एक इधर मैंने ले लिया, और फिर से एक, ठीक है। इसमें आपके ऊपर ऑप्शन है, आप लगाओ तो सेंटर वाला लगाओ, पेंडेंट वाला, या नहीं भी लगाओ तो भी चलता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि पेंडेंट वाला भी हो आपके पास। फिर से तीन पत्ते डाल रही हूँ। देखिए फिर से ये व्हाइट फ्लावर, ये इस तरह से हमारा तोरण तो बन ही चुका है ऐसे, है ना। ये सेंटर वाला गिने तो ये साइड वाला, क्योंकि लास्ट में एंड में हमने यहाँ पे तीन पत्ते रखे हैं, इसलिए मैं एंड में और तीन इधर पत्ते रखूंगी, और मेरे पत्ते भी अभी खत्म होने वाले हैं, तो ये नहीं भी डालू फूल में उसमें तो भी चलेगा, है ना। तो उसको मैं उठा के रख देती हूँ। तो देखिए हमारा तोरण वैसे भी तैयार हो चुका है। जनरली 2.25 से लेके 3.25 या 3.5 फीट तक का दरवाजा हो सकता है, आप उस हिसाब से आपका धागा ले लीजिएगा। वैसे बाद में उसको अगर कम पड़ता है आपको तो एडिशनल ज्वाइन तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपको कर सकते हो आप ज्वाइन। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तोरण तैयार हो चुका है। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हमारा तोरण तैयार है। बीच में सेंटर वाला आ गया है और ये बाकी के फूल और बाकी के बचे हुए पत्तों में से ये तोरण बन गया है। तो ये भी एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला आइटम था। तो दोस्तों आप ज़रूर बना के देखिएगा इन सारे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाले आइटम्स को, क्योंकि ज़रूर ही आपके यहाँ रियल फूल, नहीं तो आर्टिफिशियल फूल तो होते ही होंगे। जो फेंकने से अच्छा है कि बच्चों को हम ट्रेन करें कि कुछ ना कुछ उसमें से हम नया बना सकते हैं। और अगर ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आपके रह जाते हैं, आपके पास है, तो आप इसमें से बिजनेस भी कर सकते हो, है ना। तो ये इस तरह आजकल इस ऐसे तोरण के लिए, या ऐसे सिंपल हो या बहुत डेकोरेटिव हो, बहुत सारी डिमांड है मार्केट में। तो दोस्तों ज़रूर बना के देखिएगा इन सारी आइटम्स को, और मुझे लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये एपिसोड कैसे लगा। तब तक के लिए नमस्कार।